अस्सलाम वालेकुम, ये न्यू कराची सेक्टर 11 डी है और ये है एक्सियन ऑफिसर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, मतलब सेवरेज के जो निज़ाम का सूरत हाल है उस पर जो कार्रवाई होती है वो इस ऑफिस से होती है और यहाँ पर से सेवरेज का निज़ाम देखा जाता है और सेवरेज के निज़ाम की कंप्लेन भी यहीं पर ही दर्ज होती है। न्यू कराची सेक्टर 5E जहाँ पर सेवरेज बह रहा है बुरी तरीके से बह रहा है, 5E इस टाइम पर डूबा हुआ सा मंजर पेश कर रहा है। न्यू कराची सेक्टर 11D है, 5L है, 5M है और 5D है, 5J है और 5F है, मतलब न्यू कराची की जितना भी सेवरेज का निज़ाम है वो इस इलाके से इस इलाके में 11D के ऑफिस से ही ऑपरेट होता है। ये ऑफिस है, ये खिड़कियां हैं, ये उसका एक दरवाज़ा और है, यहाँ पर स्टाफ बैठता है। हफ्ते में 5 दिन स्टाफ बैठता है, अपनी मर्ज़ी से बैठता है। सुबह 10 बजे आते हैं स्टाफ और उसके बाद जो है वो शाम 5 बजे चले जाते हैं। शाम 5 मतलब दोपहर 12 बजे से जो एक्सियन ऑफिसर माजिद अली साहब या एक्सियन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद साहब ये आते हैं 12 बजे से, तो फिर ये शाम 7 बजे तक बैठ रहते हैं। लेकिन जब सीवरेज का जो काम है, जो इलाकों में काम करते हैं, स्वीपर जो काम कर रहे होते हैं, वो शाम 5 बजे तक 6 बजे तक काम करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो ये न्यू कराची का ये ऑफिस है, यहीं पर ही कंप्लेन दर्ज होती है हर तरह की। और ये साहब उसके पहचानने के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि कलीम ट्रेडिंग का ऑफिस यहाँ पर है, ये न्यू कराची का थाना है उस तरफ ये सारा, और ये समझ लें टाउन ऑफिस है आसपास में। तो ये इसकी पहचान है इस ऑफिस की और यहाँ पर आगे कंप्लेन दर्ज कराएं। इलाकों की सूरत हाल, सीवरेज का निज़ाम जो तबाह हो रहा है वो यही लोग देखते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं देखता। और यही लोग को मंडे को मैंने इनको कंप्लेन दी थी, ब्लॉक 4 हाउस नंबर 2 सेक्टर 5E न्यू कराची, जहाँ पर सीवरेज का पानी निकल रहा है गटर से, मेन रोड से, और वो अब सीवरेज का पानी जो है न्यू कराची 5 नंबर तक के पहुंच चुका है, वो पानी इतना पानी बह रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि बारिशें कम हुई हैं और गटर का पानी ज़्यादा निकल चुका है। ये देखें उसके पीछे एक मस्जिद का मीनार बना हुआ है जहाँ अजान हो रही है, तो उसकी पहचान ये है। इस ऑफिस के अंदर कंप्लेन की जाएगी, सीवरेज के कंप्लेन पूरे न्यू कराची की, मतलब सेक्टर 5E, 5D, 5L, 11D और 5G, 5F, इन इलाकों में जो सीवरेज का मसला है तो उसकी कंप्लेंट सिर्फ यहाँ दी जाएगी। एक्सियन ऑफिसर माजिद अली साहब और एक्सियन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद साहब ये दोनों यहाँ पर ऑफिस में बैठते हैं। बाकी सेक्टर 5E के जो सब इंजीनियर हैं वो मुजफ्फर साहब हैं, किसी काम के नहीं हैं। और 5D के जो जुल्फिकार साहब हैं वो भी यहाँ पर ऑफिस आते हैं, ऑफिस में सारा दिन आपको मिलेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वो 5D में चक्कर भी लगाएंगे, जबकि 5D भी इस टाइम पर डूबा हुआ है सीवरेज की मसले की वजह से।